तो गाइस आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, क्रिकेट का बल्ला बनाने में किस पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए बिलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेप रिकॉर्डर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कहता है, एक सामान्य दोलन का एक दोलन चल रहा है, ऐसे में क्या होगा? तो कूट के माध्यम से आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पहला, दूसरा और चौथा। पहला क्या कहता है, जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है तब त्वरण जो होता है, एक्सीलरेशन होता है, वो शून्य हो जाता है। और दूसरा है, हर आवर्तन में गोलक दो बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। चौथा है, सामान्य दोलन का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे दक्षिण का विट्रेन कहा जाता है? तो इसका क्या होगा, ऑप्शन डी गोवा। अगला है, इंसुलिन किससे उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन डी अग्नाशय। नेक्स्ट, डायलिसिस किसके प्रकारों को सही करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो डायलिसिस जो होता है वो हो जाएगा ऑप्शन ए गुर्दे। अगला है, कौन सा जानवर गिर के जंगलों में पाया जाता है? ऑप्शन डी शेर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंग्रेजों द्वारा भारत में बनाया गया पहला बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन बी सेंट जॉर्ज। क्वेश्चन आपका है, वित्त आयोग प्रत्येक कितने वर्षों के बाद बनाया जाता है? तो ऑप्शन डी प्रत्येक 5 वर्षों के बाद वित्त आयोग बनाया जाता है। अगला है, किस वर्ष में मानव ने सर्वप्रथम चंद्रमा पर कदम रखा? ऑप्शन सी वर्ष 1969। अगला, सौर मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सर्वाधिक भारी है? ऑप्शन बी बृहस्पति जुपिटर। अगला है, पृथ्वी की क्रोड क्या होगी? ऑप्शन सी धात्विक है। अगला है, एंजल का नियम निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? तो ऑप्शन बी मांग की धनात्मक आय लोच की। अगला है, कृष्ण छिद्र क्या है? तो कृष्ण छिद्र जो होता है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक मरणोन्मुख तारा होता है। भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना चाहिए? ऑप्शन सी भारत के उपराष्ट्रपति। और भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत आता होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? ऑप्शन सी संसद। लोकसभा का अध्यक्ष सदन को क्या कर सकता है? ऑप्शन ए स्थगित कर सकता है। अगला क्वेश्चन आपका है, ब्रेक इवन बिंदु या ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? ऑप्शन सी वह स्थिति जब फार्म को ना लाभ हो और ना ही हानि। अगला है, भारत की न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत राज्यों के उच्च न्यायालय सीधे किसकी अधिकारिता में आते हैं? ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंजाब से होकर प्रवाहित नहीं होती है? ऑप्शन सी सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन डी तीस्ता। अगला है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी समुद्र तट रेखा है? ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है,
प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे होती हैं? तो ऑप्शन डी, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी केंद्र शासित प्रदेश का दैनिक कामकाज कौन देखता है? तो ऑप्शन ए, लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल। क्वेश्चन गाइस बनता है, शिवाजी तथा मुगलों के बीच पहला मुकाबला कब हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन ए, सन 1657 और सन 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? ऑप्शन ए, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक को सूची टू से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची एक में देश हैं और सूची टू में उसकी मुद्रा है, तो करेंसी के बारे में ये क्वेश्चन जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका आंसर। पहला है फिलीपींस, इसका हो जाएगा पेसो। फिर है पोलैंड, पोलैंड का हो जाएगा जिलोटी। और फिर नाइजीरिया, नाइजीरिया का हो जाएगा नायरा। फिर है नीदरलैंड, तो इसका हो जाएगा गोल्डेन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जलवायु परिवर्तन का प्राकृतिक कारक है? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, मतलब सौर कलंक चक्र, ज्वालामुखी उद्गार और सी है वायुमंडलीय गैसीय संयोजन में परिवर्तन। अगला है, आगरा की स्थापना किसने की थी? तो आगरा की स्थापना जो की थी ऑप्शन डी, सिकंदर लोधी ने की थी। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात कौन राजगद्दी पर बैठा? तो ऑप्शन ए, मुअज्जम। अगला है, रैयत बाड़ी प्रणाली को सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? ऑप्शन बी, बराहा महल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है कोड के माध्यम से आपको बताना है। ऑप्शन बी, केवल दूसरा, दूसरा वाला कथन सही हो जाएगा। क्या कहता है, जबकि संसद के दोनों सदनों के नामित सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में मत देने का अधिकार नहीं होता, उपराष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मतदान का अधिकार होता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है? तो ऑप्शन डी, विषुवत रेखीय वन बायोम। अगला क्वेश्चन आपका है गाइस, वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी ऑप्शन ए, मोहम्मद अली जिन्ना। अगला है, नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया था? ऑप्शन बी, सेपरेट इलेक्टोरेट। अगला है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नारा दिया गया था? ऑप्शन ए, मद्रास अधिवेशन। अगला है, सूची एक को सूची टू से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची एक में देश हैं और सूची टू में राजधानी है और कोड के माध्यम से मिलान करना है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। पहला है नामीबिया, इसका हो जाएगा तीसरे से विंडहोक। फिर है मोरक्को, मोरक्को का हो जाएगा चौथे से रबात। फिर है सूरीनाम, सूरीनाम का हो जाएगा पहले से पारामा रिबो। फिर है मोजाम्बिक, इसका हो जाएगा दूसरे से मापुतो। अगला है, विट्रिस द्वारा नियुक्त किसी प्रांत का प्रथम भारतीय गवर्नर कौन था? ऑप्शन डी, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह को किसने सिपाही रिबोल्ट की संज्ञा दी थी? तो ऑप्शन ए, इलेन बॉर्ग। अगला है, भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर किसने प्रतिबंध लगाया था? तो ऑप्शन बी, लॉर्ड लिटन। अगला है, 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने क्वीन विक्टोरिया घोषणा पत्र को कहाँ पढ़ा था? तो ये पढ़ा था आपका ऑप्शन सी, इलाहाबाद। और आज का अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो नरसंहार हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन बी, अमृतसर। और आज का लास्ट है,
साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है। ऑप्शन डी इंटरनेट। ओके तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।